वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो टाइटल देखकर तो अभी आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की मेरी ये वीडियो क्या है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ब्लू लगून बनाने का मन मेरा बहुत टाइम से था। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ब्लू लगून, ब्लू मून, ब्लू क्यूरासो लेमिनेट, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे आपको पता है क्यूरासो एक आइलैंड है और ये सच में ब्लू है। अब ये क्यूरासो लेमिनेट और क्यूरासो आइलैंड का क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इतनी आरएनडी नहीं की है। मुझे तो बस ड्रिंक बनाने से मतलब है और टेस्ट एंजॉय करना है, तो इसीलिए मैंने इतनी आरएनडी नहीं की। जितना मुझे मालूम था मैंने आपको बतला दिया, क्योंकि आज मैं ब्लू लगून ड्रिंक बना रही हूँ तो मैंने कपड़े भी ब्लू पहने हैं। कुछ भी बोल रही हूँ मैं, ये पॉइंटलेस बातें हैं। मेरी बातों पर मत जाइएगा प्लीज, माइंड मत कीजिएगा, मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी। बस मेरी भावनाओं को समझिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रही थी। और आज जो मैं क्यूरासो लेमिनेट बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए जो क्यूरासो सिरप की जरूरत पड़ती है वो भी मैं मार्केट से लेकर नहीं आने वाली हूँ, वो भी मैं घर में ही बनाऊंगी। वैसे इसको बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि ये मैं घर में बना रही हूँ तो इसमें लिक्वर नहीं होगा, ये नॉन अल्कोहलिक मैं बना रही हूँ। तो चलिए फिर, मैंने बहुत ज्यादा बातें कर ली, अभी बनाते हैं क्यूरासो लेमिनेट। ब्लू क्यूरासो लेमनेट या फिर ब्लू लेगम ड्रिंक बनाने हम सबसे पहले ब्लू क्यूरासो सिरप बनाएंगे। इस सिरप को बनाने के लिए मैंने एक पैन में एक कप पानी लिया है। इसमें मैं 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ और उसको मैं कम आंच पे उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। मुझे यहाँ इस सिरप को बनाने के लिए ऑरेंज जेस्ट की ज़रूरत है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके आउटर स्किन को जेस्ट बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑरेंज लिया है और इसको मैं अभी ग्रेट करने वाली हूँ। मुझे सिर्फ इसके ऑरेंज कलर स्किन को ही ग्रेट करना है, आउटर स्किन के अंदर जो व्हाइट कलर का स्किन है मुझे उसको ग्रेट नहीं करना है। अभी मैंने ऑरेंज की जेस्टिंग कर ली और मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑरेंज जेस्ट लिया है और मैंने यहाँ पे 1/3 कप लेमन जूस लिया है। अब यहाँ पे इस पैन में जो मैंने पानी और शुगर डाला था उसमें अच्छी सुबह आ गई है, तो अब मैं इसमें ऑरेंज जेस्ट डाल रही हूँ। के बाद मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ करीब 5 से 6 इस साइज के दालचीनी के टुकड़े। अब इसको मुझे 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से उबाल आने तक पकाना है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और रूम टेम्परेचर इसको पूरी तरह से ठंडा होने तक के लिए छोड़ दूंगी। अब ये सिरप अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच ब्लू फूड कलर और इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी। इसके बाद इस सिरप को एक स्टैंडर्ड की हेल्प से मैं छान लूंगी। तो हमारी ब्लू क्यूरासो सिरप बन के रेडी है। इसको आप 1 से 1.5 महीने तक एक एयर टाइट बॉटल में रखकर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। एक तो इसको बनाना भी बहुत आसान है, दूसरा मार्केट से सिरप लाने में जो आपके पैसे लगते वो भी बच गए, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज किया है वो तो ज्यादातर लोगों के घर पर ही होते हैं। तो अब इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पुदीना की पत्तियों को लिया है और इसको मैं फाइनली चॉप कर रही हूँ। अभी मैंने एक येलो लेमन लिया है और इसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे सर्विंग ग्लासेस लिया है, इसमें मैं थोड़े थोड़े काटे हुए नींबू और पुदीना की पत्तियाँ डाल रही हूँ और इनको मैं बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का हल्का क्रश कर रही हूँ। इसके बाद ये जो मैंने सिरप तैयार किया है आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफी गाढ़ी है। इसको मैं 4 टीस्पून हर ग्लास में डालूंगी। और इस ड्रिंक में आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत लगने वाली है वो है आइस क्यूब्स। तो आपको आइस क्यूब्स डालने में कंजूसी नहीं करनी है, आइस क्यूब्स आपको अच्छे से डालना है इसमें। तो मैंने यहाँ पे आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। अब मैं इन ग्लासेस में डालने वाली हूँ क्लब सोडा। ये आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिलता है। अभी मैंने सारे ग्लासेस में सोडा डाल दिया है। अब गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे एक येलो लेमन लिया है और इसके मैं ऐसे पतले पतले स्लाइसेस काट रही हूँ। अभी मैं एक स्ट्रॉ की हेल्प से जो ब्लू क्यूरासो सिरप मैंने ग्लासेस में डाला था उसको अच्छे से एक बार मिला देती हूँ।
अब मैं इस ड्रिंक के ग्लास को डेकोरेट करने के लिए लेमन के एक स्लाइस को लूंगी और इसके साथ में इसमें कॉकटेल अम्ब्रेला लगाऊंगी और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ एक रेड चेरी। इस तरह से मैंने बाकी के सारे ग्लासेस को डेकोरेट कर लिया है और सब में मैंने स्ट्रॉबेरी डाल दिया है। तैयार है हमारी बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग ब्लू क्रासो लेमनेड, या फिर आप कह सकते हैं ब्लू लगून ड्रिंक, ब्लू मून ड्रिंक। आप खुद देखिए कि इस ड्रिंक की ग्लास ही देखने में कितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई भी इंसान होंगे जिनका मन नहीं करेगा इस ग्लास को देखकर इस ड्रिंक को पीने का। तो गाइज आपने देखा कि बनाने में बहुत ही आसान है और इसको बनाने में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ये सारा सामान तो ज्यादातर लोगों के घर पे ही होता है, तो आप इस ड्रिंक को इस समर में बनाकर घर पर जरूर ट्राई कीजिए। आपको सच्ची बताती हूँ, आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप बिल्कुल लाइक देने में कंजूसी मत कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।